तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी जो कूलर है वो बनके तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे अभी आप चेक कर पा रहे होंगे इसकी जो फ्लो है वो कितनी अच्छी तरह से फ्लो हो रखी है गाइस। अभी हमने इसमें सप्लाई किया गाइस 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट में आपको कुछ इस तरह से सप्लाई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हमने जो है ना बड़े वाले पीस से कटिंग करके अभी जो है हमने यहाँ पे राउंड शेप बना दिया, और यहाँ पे मजबूती के लिए हमने 2 पीस यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। यानी एक ये जो है ना पीस था, पीस में हमने ज्वाइन करके ये इस साइज़ की हमने जो है बना दी है। इसकी साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज, ये देख पा रहे होंगे ये लमसम जो है 5 इंच के आसपास है, अंडर आईडी 5 इंच का है। अगर आपको 5 इंच का आईडी मिलती है तो डायरेक्टली पाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के ये 3 पाइप जो है हमने राउंड बना दिया है गाइज। इसके बाद जो है हमने कुछ 4 पीस इस तरह से कटिंग करी है। अभी इस 4 पीस को हमें जो है यहाँ पे जो है ज्वाइन करनी है, वो हम स्टैंड ग्लू के मदद से इसको ज्वाइन करेंगे। फिलहाल जो है गाइज हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने जो है यहाँ पे मार्किंग कर दी है, इसी मार्किंग के अनुसार जो है इस पर अभी हम ज्वाइन करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने नीचे जो है 4 पीस ज्वाइन कर दिया है। अब इससे कैसे हमें ऊपर की पोजीशन को भी कनेक्ट करनी है, जो है हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है, नंबरिंग के अनुसार जो है हम इसको भी कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 नंबर है, तो 1 नंबर हमारे सामने है, 1 नंबर यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने मजबूती के लिए एक यहाँ पे रिंग बना के डाल दिया है। अभी इस रिंग को फिक्स करना है, तो इंस्टेंट ग्लू के मदद से फिक्स करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपने को ना, यहाँ पे एक वो लगानी है, पीसेस लगानी। तो हमने कुल मिला के ना पीसेस तैयार कर लिए, यहाँ पे छोटे छोटे पीस जो है कट करके तैयार कर लिए, इसी को अभी हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। इसके माध्यम से क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जल्दी टूटेगी नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है 2 साइड इसका स्टैंड ग्लू लगाएंगे। सो गाइज अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने जो है एक बीच में सपोर्ट दे दिया, और यहाँ पे नीचे जो है हमने इसके मजबूती के लिए हमने कुछ इस तरह से जो है डिज़ाइन हमने कर दी है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये जो है अब हमारी जो है टावर जो है वो बन के तैयार हो चुकी है गाइज। और अभी क्या करना है अपने को, इस वाले ऊपर वाले पोर्शन पर अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये ऊपर वाले पोर्शन पे अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक अपने को इस तरह से जो है माउंट करना है, ये वाली सेक्शन आएगा।
और यहीं पे अपना जो है ब्लोअर सेक्शन होने वाला है गाइस। तो अभी ये वाली कवर जो है ये हमने ढक्कन इसकी जो है ये ढक्कन आप चेक कर पा रहे होंगे, ये ढक्कन जो है हमने अलग से कटिंग कर ली है। तो अभी इसके ऊपर फिक्स करने वाले हैं, तो इसको भी हम स्टैंड ग्लू के मदद से फिक्स कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने जो है इसकी कैप जो है लगा के फिक्स कर दी है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है अपनी ब्लोअर सेक्शन और अपनी जो है यहाँ पे रेगुलेटर वगैरह सारे चीज़ जो है हम इसी में फिट करने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे हमने जो है यहाँ पे पूरी जो है देख पा रहे होंगे ग्रिल यहाँ पे हमने लगा दी है। अब इस पर हम फिट करने वाले हैं खसखस यानी घास, इसके अंदर कूलर को आपको पता है कूलर के अंदर जो है घास होती है, इसमें जो है हमने पूरी ग्रिल लगा दी है। अब इसके अंदर हम जो है खसखस जो है वो लगाने वाले हैं, और साथ में हमने इसके ऊपर के लिए जो है यहाँ पे देखो गाइस हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। यहाँ अभी इसको कटिंग करेंगे और यहाँ से जो है अपनी ब्लोअर से एयर निकलने वाली है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने मेस लगा दिया था, जो जाली है वो मार्केट से आपको 60 से 70 रुपये में मिल जाएगी। आप जाली ले आइएगा घर पर और जाली को इस तरह से लगा के, और इसमें हमने खसखस लगा दिया गाइस। अभी आप इस पर देख पा रहे होंगे चारों तरफ जो है हमने खसखस लगा दिया है, आप अंदर भी देख सकते हैं, अंदर भी हमने मेस लगा के जो इसको बिल्कुल फिनिशिंग कर दिया है। आप इस तरह से आप भी अपने जो है फिनिशिंग कर सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे हमारी जो है खसखस वाली पार्ट तैयार हो चुकी है। एक सेंटर में हमने जो है ब्लोअर एक जगह से सक्शन करे, इसके लिए हमने एक ये वाली पीस तैयार करी है ताकि हमारी जो एयर है पूरी जो है अपनी जो इस वाली सेक्शन है पूरी सेक्शन से हमारी एयर को सक्शन करे। तो ये वाली पार्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है गाइस। यहाँ पे हमारी टॉप पार्ट जो है ये हमने बना के तैयार कर दिया है, अंदर हमने यहाँ पे लकड़ी के गुटके लगा दिए हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे ग्रिल लगा दी हमने, यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने दो स्विच की कटिंग कर दी है, एक यहाँ पे सॉकेट की जो होल कर दी है जिसमें हम 12 वोल्ट का सॉकेट पुट करने वाले हैं, और गाइस यहाँ पे हमने एक रेगुलेटर फिट किया है जिससे हम ब्लोअर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फटाफट क्या करना है अपने को, और हमें एक अपने जो है एक ये जो वाटर पंप है गाइस ये देख पा रहे होंगे पोर्टेबल वाटर पंप है, इसको चलाने के लिए हमने यहाँ पे एक वोल्टेज कंट्रोल आईसी लिया है 7806 का, इसी से हम जो है इस वाले वाटर पंप को चलाने वाले हैं। दो स्विच आप यहाँ पे हमारे पास देख पा रहे होंगे और एक ये एडेप्टर देख पा रहे होंगे, तो ये हमने ले लिया है। फटाफट इस स्विच को हम लगाते हैं, हमने यहाँ पे दो स्विच लगाया है, एक अपनी ब्लोअर को ऑन करने के लिए और एक अपनी वाटर पंप को ऑन करने के लिए। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट लगाने वाले हैं, तो ये है हमारे पास सॉकेट। यहाँ पे देख पा रहे होंगे चेकआउट कर पा रहे होंगे यहाँ पे हमने दो स्विच लगा दिया है और यहाँ पे एक सॉकेट लगा दिया, एक फैन रेगुलेटर के लिए हमने यहाँ पे एक रेगुलेटर कंट्रोल स्विच लगा दिए गाइज। अब क्या करना है फटाफट इसके अंदर कनेक्शन करते हैं। सो फाइनली गाइस आप चेकआउट कर पा रहे होंगे यहाँ पे हमने पूरी वायरिंग कर दी है, यहाँ पे दो स्विच का कनेक्शन कर दिया है, एक हमने यहाँ पे सॉकेट लगा दिया है, एक हमने यहाँ पे लगा दिया है पोटेंशियल मीटर जिससे हम अपने ब्लोअर को कंट्रोल करने वाले हैं, और दो स्विच जो हमारी लगी है गाइस वो हमने पहले आपको बता चुके हैं, एक ब्लोअर के लिए है एक अपनी वाटर पम्प के लिए है। तो फटाफट हम इसके अंदर ब्लोअर को फिट कर लेते हैं।
गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने जो है इस ब्लोअर फिट कर दिया है। ब्लोअर के पास जो है हमने कुछ इस तरह से टॉवर फिट कर दिए ताकि जो हमारी एयर सॉक हो वो पूरी चारों तरफ से सॉक हो सके हमारी। सो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने जो है ये वाली पार्ट पूरी कंप्लीट कर दी है। हमने एक यहाँ पे वाटर पंप लगा दिया है, छोटा सा वाटर पंप है, आप भी मार्केट से ले सकते हैं गाइस। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी ब्लोअर सेक्शन है जिसमें हमने यहाँ पे जाली लगा के बिल्कुल सेफ कर दिया है, कुछ फ्रंट से लुक इस तरह से आने वाला है। और यहाँ पे हमने दो स्विच दिया है जिसके हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, एक अपनी जो है वाटर पंप को ऑन करने के लिए, एक अपनी ब्लोअर सेक्शन को ऑन करने के लिए। यहाँ पे हमने एक जैक दिया है जिसमें हम 12 वोल्ट का कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने एक रेगुलेटर पुट किया है जिससे हम ब्लोअर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइज अपने एक काम अभी रह गया है जो हमने खसखस तैयार करी थी, ये अभी आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, आप चेकआउट करिए। पूरे अंदर तक जो है हमने मेस लगा के पूरे क्लियर जो है इसको हमने जाली लगा के जो है पूरे खसखस को हमने सेट कर दिया है। और हमने कुछ इस तरह से जो है पाइप लिया है, आप देख पा रहे होंगे ये मार्केट से आपको इजीली जो है 5-10 रुपए में मिल जाएगी। और यहाँ पे हमने सोल्डिंग आयरन की मदद से बारीक बारीक इसमें होल कर दिए गाइस। अभी क्या करना है, इस वाले होल को अपने को यहाँ पे प्लेस करना है, इस वाले सेक्शन पे प्लेस करनी है। तो इसको हम फटाफट प्लेस कर लेते हैं गाइस, उसके बाद फिर इसकी हम ट्रायल लेंगे गाइस। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पाइप जो है पूरी अच्छी तरह से फिट कर दी है। अब अपने को क्या करना है, इस वाले पाइप को नीचे की तरफ ले जानी है जहाँ पे अपना जो पंप होगा, पंप पे हम कनेक्ट करेंगे इसको। तो इसको नीचे की तरफ हम ले लेते हैं, ये हमने देखो नीचे की तरफ ले ली है। अब क्या करनी है, अपने को इस वाले सिरे को अपने को इस वाले पंप में कनेक्ट करनी है। तो इसको आराम से जो है इसके अंदर फिट हो जाएगी ये, मैं अभी चेकअप कराऊंगा आपको। देखो ये इस तरह से जो है ये इसके अंदर चली जाती है, देखो ये चली गई, बट अभी नहीं कनेक्ट करना है। अभी क्या करना है, अपने को इस वाले सेक्शन को भी इसके अंदर पुट करनी है, तो इसको भी हम इसके अंदर रख लेते हैं। और ये जो हमने जाली बनाई है ना, इससे क्या होगा कि जब ये ब्लोअर ऑन होगा तो चारों तरफ से जो है बराबर एयर को सक करेगा ये। अब ये देखो हमारी ये जो है प्लेस हो चुकी है, ये हमारी पंप यहाँ आ चुकी है नीचे की तरफ। अब जो है पंप में हम इसको कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारी जो वाटर फ्लो होगी वो हमारी सीधे पंप के थ्रू जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और सारे में पानी फ्लो हो जाएगी। तो हमारी ये वाली पार्ट कंप्लीट हो गई है गाइस। अब ले आते हैं गाइस हम मटका जिसमें हमने पानी फिल करके रखा था। सो गाइस हमने यहाँ पे वाटर पंप वगैरह सब कनेक्ट कर दिया है। फिलहाल जो है अभी अपने को क्या करना है, इस वाटर पंप को इसके अंदर फिट करनी है। और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से साइज मेंटेन करके रखा था कि यहाँ पे हमारी फिट हो जाए। तो यहाँ पे हमारी जो है ये मस्त कूलर जो है इसके अंदर फिट हो गई है, अभी आप चेकआउट कर पा रहे होंगे। सो गाइस हमारी जो मटके है, मटके में हमने पानी फिल कर दिया था गाइस, और पानी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड हो चुकी है। तो अब इसमें जो है हम अपना जो हमने जो डिज़ाइन किया है ना गाइस, कूलर वाला हिस्सा, उसको हम इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो इसकी जो डाया है उसके अनुसार ही हमने क्रिएट किया है अपने कूलर को। सो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमने कूलर बना रखा है कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमने मोटर ऑलरेडी फिट कर दिया है, यहाँ पे हमने कच्चा टेप लगा दिया है ताकि पानी के अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो। अब इसके अंदर हम इसको फिट करेंगे गाइस, कुछ इस तरह से इसके अंदर रखनी है। और ये वाली फ्रंट वाली हिस्सा जो है हमारी यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने इस तरह से फिट जो डिज़ाइन किया है गाइस, इसके अंदर आराम से जो है फिक्स हो जाती है गाइस। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जो है ना आपको सप्लाई देनी है। तो सप्लाई के लिए जो है ना हमने यहाँ पे 12 वोल्ट जो है सेट कर रखा है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ पे देंगे। कुछ हमने यहाँ पे जैक लिया है, जैक में इसमें कनेक्ट करेंगे और ये हमने कनेक्ट कर दिया गाइस। इसके बाद से गाइस हम यहाँ पे 1 by 1 हम इसको चेक करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम वाटर कूलर को हमने ऑन कर दिया गाइस। ये हमारी पानी जो है आप देख पा रहे होंगे, पानी जो है हमारी वो आनी शुरू हो चुकी है, थोड़ी सी घास गीली हो जाने देते हैं। सो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी जो कूलर है वो बनके तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे अभी आप चेक कर पा रहे होंगे इसकी जो फ्लो है वो कितनी अच्छी तरह से फ्लो हो रखी है गाइस। अभी हमने इसमें सप्लाई किया गाइस 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट में आपको कुछ इस तरह से सप्लाई देखने को मिल रही है, और फुल मस्त ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ से देखने को मिल रही है। और इसकी फ्लो आप चेक कर पा रहे होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे लगा रखी है ब्लोअर सेक्शन, इसके लिए जो हमारी जो इसकी एयर है वो काफी अच्छी जो है फ्लो हो रही है। यहाँ से देखो यहाँ पे बिल्कुल जाना हवा फ्लो मिल रही है। मैं आपको और भी चेकआउट करा देता हूँ। आप सोच रहे होंगे हल्की पन्नी लगा रखी है, बट मैं आपको यहाँ पे देखो कपड़ा भी लगा के दिखा देता हूँ। तो कपड़ा भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कपड़े उड़ते हुए दिखेंगे आपको, ये देखिए। तो कितनी मस्त जो है यहाँ पे आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, मस्त जो है यहाँ पे फ्लो हो रखी है। अगर मैं इसकी अभी थोड़ी और वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो ये और ज्यादा स्पीड देगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ।
सो अभी हमने जो सप्लाई दिया है गाइस, वो हमने 13 वोल्ट के आसपास दिया है, और यहाँ पे अभी आप चेकआउट कर पा रहे होंगे फ्लो जो है वो मस्त फ्लो जो है आपको देखने को मिल रही है गाइस। ये देखो फ्लो। सो इस तरह से आप कूलर को बना के जो है आप अपने स्कूल में, कॉलेज लाइफ में एज अ प्रोजेक्ट आप जमा कर सकते हैं गाइज। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय।